खुद लगभग 15 साल तक भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन एवं अभियानों में अहम भूमिका निभा चुके राजकुमार मंडल सेनानिवृत्त होने के बाद दुमका के युवाओं में देश प्रेम का भाव जगा रहे हैं। उनमें देश सेवा के लिए उत्साह, जज्बा एवं जुनून पैदा कर रहे हैं। सेना व पुलिस में भर्ती होने के लिए ऐसे तकरीबन 500 से अधिक युवक युवतियों को शारीरिक रूप से सक्षम और अकादमिक रूप से सबल बना रहे हैं। खुद सवेरे सवेरे वह युवाओं को दौड़ लगवाते हैं, पीटी कराते हैं, तो दोपहर के बाद से दुमका शहर के रसिकपुर बड़ा बांध के सामने अपने घर में कई अलग अलग बैच में एसएससी जीडी के अलावा भारतीय सेना में जाने के लिए उनकी निशुल्क कोचिंग करवाते हैं। ठंड के दिनों में छत ही क्लासरूम बन जाता है, तो गर्मी में घर के कमरे में पढ़ाई होती है। राजकुमार मूल रूप से रानीश्वर प्रखंड के बासकुली पंचायत के कुमिर खाला के रहने वाले हैं। भारतीय सेना में बतौर नौसैनिक उन्होंने योगदान दिया और विश्व के सबसे तेज तर्रार माने जाने वाले दूसरे कमांडो फोर्स मारकोर्स के वे हिस्सा बने। इसके लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली। वे बताते हैं कि सैनिक के तौर पर मिली ट्रेनिंग बहुत से क्षेत्र में आज भी मददगार साबित होती है। सेनानिवृत्त के बाद उन्हें आगे नौकरी करने के कई अवसर थे, पर उन्हें लगा कि वे यहाँ के बच्चों का मार्गदर्शन दें ताकि वे देश सेवा के लिए आगे बढ़ सकें। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया तो 10 में से 4 अग्निवीर के लिए चयनित हो गए। उन्होंने कॉलेजों के तमाम कल्याण छात्रावासों का दौरा किया, छात्रों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की। बात जब सैद्धांतिक परीक्षा की आई तो बच्चों ने महंगी कोचिंग के लिए संस्थानों तक पहुंचने में असमर्थता जताई। ऐसे में राजकुमार ने खुद को यह शिक्षा भी देने की ठानी, व्हाइट बोर्ड मंगवाया, किताबें खरीदी और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद लिखित परीक्षा के लिए भी उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। राजकुमार बताते हैं कि नियमित रूप से 400-500 बच्चे यह कोचिंग व ट्रेनिंग ले रहे हैं, 4-5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। रविवार को तो यह दौड़ लंबी दूरी की हो जाती है और 7-8 किलोमीटर तक की दौड़ युवा लगा रहे हैं। वे बताते हैं कि यहाँ के युवाओं में सेना व पुलिस की सेवा में जाने का जुनून है। मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था, वे माध्यम बने हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।